नमस्कार फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल आई होप सो आप सब ठीक होंगे और आज हम बनाएंगे फिश रेसिपी जो जो कि मेरे स्टाइल से है हम उसको पहले फिश को मैरिनेट करेंगे चार पांच घंटे पहले मैरिनेट करेंगे फिर उसको फ्राई करेंगे और फिर हम फिश को बनाएंगे जो कि बहुत ही ईजी है एक बार आप बनाएंगे तो हर बार ही आप जरूर बनाएंगे तो एक बार मेरी इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई करिएगा जो हमने फिश ली है वो एक किलो ली है और ये सालमन फिश है तो चलिए फिर बनाते हैं फ़िश रेसिपी जो व्यूअर्स मेरा फ़र्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं उनको बता दूं कि मेरे कुछ व्यूअर्स हैं जो कि साइन लैंग्वेज समझते हैं तो मैं उनको यही बता रही हूँ कि आज हम फिश की रेसिपी शेयर कर रहे हैं आप सबके साथ और कुछ व्यू भी दिखाएंगे हम बाहर का और यहाँ बहुत सर्दी हो रही है जीरो और एक डिग्री चल रहा है तो चलिए फिर बनाते हैं फ़िश रेसिपी दो बड़े चम्मच आप सरसों का तेल डाल देंगे जब हम फिश बनाते हैं तो सरसों का तेल अगर यूज़ करेंगे तो वो उससे फ़िश बहुत ही टेस्टी बनती है हमने चार से पाँच घंटे पहले फ़िश को मैरिनेट कर दिया था सैलमैन फिश के अंदर हमने रेड चिल्ली पाउडर टर्मरिक पाउडर सॉल्ट मस्टर्ड सीड्स गार्लिक और जिंजर पेस्ट नींबू ऑलिव ऑयल ये हमने सारे इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर डाले हैं साथ में हमने कॉरिएंडर पाउडर डाला है मस्टर्ड सीड को हमने क्रश किया है पेस्ट बनाया है वो भी डाला है इसके अंदर सरसों का जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो हम वन बाय वन सालमन फिश को इसमें फ्राई करेंगे हमको लो से मीडियम फ्लेम करना है इसको फ्राई फिश हमने वन केजी ली है ये इवन फ्रेंड्स आप ये वाली फ़िश को फ्राई करके जो भी आप कुछ खा रहे हैं दाल चावल रोटी सब्जी तो उसमें भी ये फ्राई फिश साथ में रख सकते हैं ये भी बहुत टेस्टी लगती है जब हम फ्राइड खाते हैं आप जब कभी नॉनवेज वाला स्नैक खाएं तो आप इसको भी रख सकते हैं ये बहुत टेस्टी लगता है एज अ स्नैक इसी तरह आप दूसरी तरह दूसरी तरफ भी इसको फ्राई करेंगे और फिर जब इस तरह से हो जाएगा तो आप इसको निकाल लेंगे अब दूसरी बार भी करेंगे जैसे हमने पहले किया था ऐसे ही दूसरी बार भी फ्राई करेंगे फिश को दोनों तरफ से जब तक हमारी फिश तैयार होती है तो फ्रेंड्स हम चावल बना लेते हैं हमने एक गिलास चावल लिया है बासमती चावल लिए हैं इनको पानी में धो लेंगे एक चम्मच के बराबर आप रिफाइंड ऑयल डालेंगे दो से तीन बे लीव्स डालेंगे दो इंच के बराबर आप सिनेमन स्टिक डालेंगे इनको अच्छे से फ्राई करेंगे अब आप दो से तीन ग्लोव्स दो से तीन कार्डमन और ब्लैक होल पेपर उसको दरदरा कूट के वो भी डाल देंगे और उसको अच्छे से फ्राई करेंगे फ्रेंड्स जो चावल आपने धोए थे वो अब डाल देंगे इसके अंदर और उसको थोड़ा चलाएंगे। हमने एक गिलास चावल लिया है तो हम एक गिलास और उसका और आधा पानी डालेंगे और हमारे चावल बन जाएंगे अब थोड़ा सा स्टर करेंगे और ढक्कन लगा के चावलों को बनने के लिए रख देंगे फ्रेंड्स अब हमारी फिश तल चुकी है तो अब हम इनको भी निकाल लेंगे वन बाय वन सेम ऑयल में अब हम इसके अंदर बे लीव्स डालेंगे दो एक मीडियम साइज का चॉप्ड ऑनियन डालेंगे प्याज को हमने तब तक फ्राई करना है जब तक ये पिंकिश ब्राउन और सॉफ्ट ना हो जाए अब हमको गरम मसाले डालने हैं ये हमने डाला है स्टार कुछ हमने क्लोव्स डाले हैं और काली बड़ी इलायची और दो तीन हमने ब्लैक पेपर होल को दर दरा कूट लिया इन सबको और वो भी डाल देंगे अब हम एक चम्मच जिंजर और एक चम्मच गार्लिक का पेस्ट डालेंगे अब सारे मसाले को अच्छे से फ्राई करना है और मिक्स करना है फ्रेंड्स अब हम डालेंगे इंडियन बेसिक मसाले सॉल्ट टर्मरिक पाउडर कोरियडर पाउडर क्यूमिन पाउडर और रेड चिल्ली पाउडर ये डालेंगे सब मसालों को अच्छे से हमने फ्राई करना है फ्रेंड्स हमने जब मैरिनेट किया था फिश को तो उसका जो मसाला बच गया था वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे अब हम दो टमाटर का हमने पेस्ट बनाया था वो डालेंगे अब अच्छे से सारे मसाले को मिक्स करना है और फ्राई करना है फ्रेंड्स अब हमारा मसाला काफ़ी फ्राई हो चुका है इसके सरफेस में भी ऑयल रिलीज़ हो गया है तो अब हम इस स्टेज में आके थोड़ा सा पानी डालेंगे जो पानी है हमने जो मिक्सर ग्राइंडर में टमाटो ग्राइंड किए थे तो उसके अंदर पानी डाल के वो थोड़ा सा डालेंगे इसके अंदर अब आप सारे मसाले को अच्छे से और भुनेंगे जो हमें थोड़ा पानी डाला है उसी से कि हमारा मसाला जले ना फ्रेंड्स देखिए इसकी साइड में मसाला काफ़ी अच्छे से फ्राई हो गया है उबाल भी आ रहा है तो अब आप समझ जाइए कि आपका मसाला और पानी भी अच्छे से भुन गया है तो अब आप अब देख लीजिए कि किस टाइप की थिक ग्रेवी आपको चाहिए तो उसी कंसिस्टेंसी के देखते हुए आप इसके अंदर पानी डालेंगे हमने एक ग्लास पानी डाला है इसके अंदर फ्रेंड्स अब हम एक ढक्कन लगाएंगे और एक बॉयल का वेट करेंगे देखिए फ्रेंड्स हमारी ग्रेवी तैयार हो गई है अब इस बॉयल में आपने जो फिश को फ्राई किया है वन बाय वन इसमें डाल देंगे स्टर करेंगे इसको हमें इतनी ही थिक ग्रेवी चाहिए फ्रेंड्स हाफ स्पून आप गरम मसाला डाल देंगे दो स्पून आप लेमन वाटर डाल देंगे इसमें गार्निशिंग के लिए आप इसमें कोरिएंडर लीव्स डाल दीजिए फ्रेंड्स अगर आप एक बार इस तरह से बनाएंगे तो आपको ये बहुत ही इजी और बहुत टेस्टी रेसिपी लगेगी आप ज़रूर इसको ट्राई करें देखना फ्रेंड्स इसका कलर भी कितना अच्छा आया है इसमें हमने कोई कलर नहीं डाला है फ्रेंड्स अगर आप एक बार इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो आप हर बार इसी रेसिपी को इसी स्टाइल से बनाने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये वाकई बहुत टेस्टी रेसिपी है एक बार आप इसको ज़रूर ट्राई करें उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड कमेंट्स जरूर करिए और अपने फ्रेंड्स रिलेटिव के साथ भी इसको शेयर करिए फ्रेंड्स सेम डे हमने पानी पूरी भी खाई थी ये बहुत टेस्टी थी इसकी रेसिपी भी हम आपके साथ जल्द ही शेयर करेंगे फ्रेंड्स जहाँ मैं रहती हूँ साउथ अमेरिका चिले में वहाँ का ये व्यू है मेरी विंडो से ये पूरा का पूरा जो सेंटियागो है यानी कि चिले की कैपिटल है ये पूरा का पूरा एंडेज से घिरा हुआ है यानी कि पहाड़ों से घिरा हुआ स्टेट है ये तो देखिए ये यहाँ की व्यू यहाँ पे पूरी जगह में बर्फ़ है देखिए फ्रेंड्स और यहाँ पर आजकल वेट विंटर्स चल रही है बारिश भी हो रही है और बहुत ठंड है जीरो डिग्री चल रहा है कभी माइनस वन चल रहा है हर रोज़ यहाँ बारिश हो रही है देखिए फ्रेंड्स व्यू फ्रेंड्स मेरे वीडियो को और मेरी रेसिपी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ एक नई रेसिपी के साथ टिल देन बाय एंड सी यू